नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक्नो रूहेज में आपका स्वागत है। और आज फाइनली सैमसंग ने इंडिया में 2021 का उनका सबसे पहला एकदम एंट्री लेवल और अफोर्डेबल रेंज का फोन लॉन्च किया है। यह है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M02s। जो M01s आया था ना, ये उसी का सक्सेसर है और ये आपको अराउंड 10,000 के नीचे मिलेगा। दो वेरिएंट्स इसमें, जो बेस है वो 3GB रैम 32GB स्टोरेज है और एक जो हायर है वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज है। फिलहाल के लिए मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 8-9-10 हज़ार की रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो खैर, वो तो जब डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट करना। और इस वीडियो में दोस्तों मैं इस फोन का गिव अवे कर रहा हूं, तो आप में से एक लकी विनर को ये फोन मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में ग्लीम की लिंक दिया हो, वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट करिए। बाय द वे दोस्तों, ये वीडियो आप देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी M02s की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। फटाफट से दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। यहां पर देखेंगे M02s कुछ इस तरीके से लिखा है और पीछे की तरफ देखेंगे यहां पर सारी हाइलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। और ऑब्वियसली ये फोन मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया है और सैमसंग कुछ वैसे करता है। और ऊपर की तरफ दोस्तों जो कलर हमारे पास आया है वो है ब्लैक। आपको दो और कलर्स मिलेंगे, ब्लू और रेड। और जो वेरियंट हमारे पास है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो हाँ, ये चीज अच्छी है कि 10,000 के अगर नीचे आता है और 4GB की रैम है सैमसंग का फोन है तो काफी मजा आएगा। बाय द वे दोस्तों फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। काफी छोटा बॉक्स लग रहा है, लेकिन एक मिनट, यहां पर भी सैमसंग अक्सर कुछ देता है, मुझे वो देखना है। तो नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस ही यहां पर मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आते सीधा हम हमारे फोन की तरफ, इसको हम यहां से निकाल लेते हैं। और ओके, तो इस बार दोस्तों डिजाइन थोड़ी आपको डिफरेंट मिलती है। ये थोड़ा सा हेज इफेक्ट आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और देखें कुछ इस तरीके से आवाज़ भी आ रहा है, तो थोड़ा टेक्सचर फीलिंग भी यहाँ पर दिया गया है। और ब्लैक कलर डिसेंट लग रहा है, अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखते हैं तो उसमें थोड़ा और भी मजा आएगा आपको। कर्व्ड एजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं और साथ में ये आपको 9.1mm की थिकनेस पर मिलता है, तो अच्छी बात है कंसिडरिंग आपको 5000mAh की इस पर बैटरी मिल जाती है और 196 grams का है। तो हाथ में होल्ड करने से दोस्तों ऐसे कोई इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। और कैमरे का बम्प आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करी है। हाउएवर मुझे यहाँ पर कहीं भी रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर या साइड में नहीं दिख रहा है। उसके अलावा दोस्तों फिजिकल और की बात करें तो नीचे 3.5mm जैक है, आपको माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पर स्पीकर है। और उसके अलावा लेफ्ट साइड में ऊपर सिम ट्रे, जहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का आपको स्लॉट मिलता है। राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। और ऊपर की तरफ थैंकफुली आपको सेकेंडरी माइक होल मिल रहा है, जो अच्छी बात है। अक्सर बहुत सारी कंपनीज अंडर 10,000 rupees के जो फोन्स लाती है उसमें सेकेंडरी माइक बोलती है, लेकिन सैमसंग ने आपको वो यहाँ पर दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन मुझे यहाँ पर इसकी अच्छी लगी है। ऑब्वियसली ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, ये मैं बताना भूल गया, लेकिन फिर भी डिजाइन थोड़ा उन्होंने यहाँ पर चेंज किया है। उसके अलावा दोस्तों बॉक्स में देखें तो आपको यहाँ पर मिलता है एक ये 7.5W का चार्जर है। जी हाँ, तो ये फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन ये फोन जो है वो 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और उसके अलावा आपको एक टाइप सी केबल मिलता है और पीछे की तरफ सिम इजेक्टर पिन लगा हुआ है। तो यही है दोस्तों बॉक्स कंटेंट, सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ। अब फोन की तरफ आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आपको मिलता है One UI 2.5 और ये एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है, फुल वर्जन एंड्रॉयड है। तो यस दोस्तों, आपको One UI तो हमें पता ही कैसे चलता है, कोई बैन एप्स नहीं है, कोई एड्स नहीं है, फालतू की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, स्मूथ है, क्लीन है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपका अच्छा होगा। और इसमें दोस्तों कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल्ड एप्स थे, लेकिन अगर आप चाहो तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो कोई इशू वहां पर वैसे नहीं है। उसके अलावा दोस्तों सेंसर्स की बात करें तो आपको इसमें ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन जायरोस्कोपिक आपको नहीं मिलता है, ऑब्वियसली क्योंकि जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 450 उसमें उसका सपोर्ट नहीं है इसलिए। और साथ में दोस्तों रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो रैम इसमें है LPDDR3 यस, और स्टोरेज आपको मिलता है eMMC 5.1। हालांकि नॉर्मली दोस्तों यूज किया तो मुझे वैसे कोई लैग स्टटर नहीं दिखाई दिया, ऐप ओपन क्लोज किया तो मल्टीटास्किंग था मेरा, वो स्मूथ था, तो उस मामले में जनरली मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। कनेक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों, आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 4.1 यस, जो प्रोसेसर है वो ब्लूटूथ वर्जन 4.1 सपोर्ट करता है। आपको सिंगल बैंड वाईफाई है, आपको डुअल 4G वोल्टी मिलता है, GPS है, तो आपको नॉर्मल बेसिक इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स है वो यहां पर इसमें मिलते हैं। साथ में आपको सिक्योरिटी की बात करें तो रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, फेस अनलॉक है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमने देखा और ये अनलॉक हो गया, वैसे काफी फास्ट है, फिर से आपको दिखाता हूं, देखा और अनलॉक हो गया। तो यस, फेस अनलॉक एक्यूरेट है। और उसके अलावा ऑडियो की बात करें तो सिंगल स्पीकर है, तो मैं दिखा देता हूं फुल वॉल्यूम है।
क्वाइट लाउड है, इतना भी ज्यादा लाउड नहीं, लेकिन बेस अच्छा है दोस्तों, तो यस। और साथ में 3.5 mm जैक है, ईयरफोन से मुझे ऑडियो इसकी अच्छी लगी, वहां पर कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अब डिस्प्ले की तरफ आते हैं दोस्तों, इसमें मिलता है आपको 6.5 inch की HD+ की एक TFT डिस्प्ले, यस। और डिस्प्ले दोस्तों अच्छी बड़ी डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है, इन्फिनिटी वी वाली डिस्प्ले, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोस्तों वो भी मुझे यहां पर अच्छा लगा है, हालांकि हल्के चिन्ह है लेकिन वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। और एक चीज मैं यहां पर बोलूंगा दोस्तों, TFT है लेकिन जो पैनल इस्तेमाल किया सैमसंग ने वो बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा ब्राइट है, इनफैक्ट आउटडोर विजिबिलिटी भी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी है, तो वहां पर वैसे मुझे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं था। और हां, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका इसमें काफी अच्छा होगा, इंडोर में जब आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि अच्छी बड़ी डिस्प्ले, और सैमसंग की डिस्प्ले किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो वो कभी भी आपको निराश नहीं करती है, और वो मुझे यहां पर दिखाई दिया। तो डिस्प्ले दोस्तों TFT है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, मैं ऐसे कहूंगा। परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों, इसमें मिलता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450। देखिए ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है दोस्तों, 14 nm वाला है, ऑक्टा कोर का है, कॉर्टेक्स A53 वाले आपको कोर्स मिलते हैं, अड्रिनो 506 वाला आपको GPU मिलता है, और ओवरऑल दोस्तों डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगी। यहां पर अच्छी बात यह है कि जो M01s आया था इनका, उसमें हीलियो P22 था, ये उससे उन्होंने अपग्रेड किया है, तो स्नैपड्रैगन 450 उससे आपको बेटर मिलता है। और इनफैक्ट दोस्तों अगर आप चाहो तो उसमें गेम्स खेल सकते हो, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी ट्राई किया, मीडियम पर सेट किया, वो अच्छा चल रहा था, तो यस मीडियम पर आप ग्राफिक्स सेट करके गेम्स खेल सकते हैं, और नॉर्मल जो कैजुअल गेम्स है अगर आप खेलना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि नॉर्मल डे टू लाइफ में दोस्तों ये आपको काफी अच्छा चलेगा, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, एप्स अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, यूट्यूब पर दूसरे कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो प्रॉब्लम नहीं है, और इनफैक्ट अगर आपको थोड़े गेम्स भी खेलना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। अब बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, बैटरी आपको इसमें काफी अच्छी मिलती है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, और इनफैक्ट दोस्तों जो बैटरी बैकअप था इसका मुझे वो बहुत अच्छा लगा है, 1UI जो है वो अच्छा ऑप्टिमाइज रहता है, और बड़ी बैटरी है, सैमसंग का फोन है तो यस वहां पर बैकअप मुझे काफी अच्छा मिला। और दूसरी चीज ये कि 15 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, उसके लिए आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा, लेकिन बॉक्स में जो चार्जर दिया गया उससे थोड़ा वक्त लगेगा इसको चार्ज करने के लिए, लेकिन दोस्तों यस बैटरी बैकअप मुझे यहां पर फिलहाल के लिए मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लगा, उस मामले में कोई शिकायत नहीं थी। अब फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करूं तो आपको पीछे इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 MP प्राइमरी है जहां पर आपको फुल HD वीडियो मैक्स शूट करने मिलता है, उसके अलावा उन्होंने पोर्ट्रेट ब्यूटी और दूसरे AI वाले कुछ फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, फिर 2 MP का डेप्थ, 2 MP का आपको मैक्रो मिलता है, और सामने की तरफ दोस्तों 5 MP की सेल्फी, यहां पर भी मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसमें भी दोस्तों पोर्ट्रेट और ऐसे थोड़े AI वाले उन्होंने फीचर्स दिए हैं। अब कैमरे की क्वालिटी देखते हैं दोस्तों, ऑनेस्टली कहूं मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन देखेंगे दोस्तों फोटोज अच्छे निकल कर आए हैं प्राइस के हिसाब से, अगर 10,000 के नीचे ये फोन है तो इस तरीके की फोटोज मेरे ख्याल से सही है। आप देख सकते हैं आपको बुके अच्छे मिल रहे हैं शॉट्स, और कलर्स भी अच्छे हैं, और शार्पनेस भी आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है, इनफैक्ट कहीं कहीं जगहों पर मुझे डायनेमिक रेंज भी अच्छा लगा लेकिन कहीं कहीं जगहों पर ठीक था। बाकी ओवरऑल रियर कैमरा दोस्तों अच्छे फोटोज देता है दिन में जो आप देख सकते हैं, वीडियो देखेंगे दोस्तों वीडियो भी अच्छा निकल कर आया है, हालांकि इतना स्टेबल वीडियो नहीं था, लेकिन यस ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है आप देख सकते हैं वो काफी अच्छी है। और उसके अलावा सेल्फी की बात करें तो 5 MP है, लेकिन यहां पर भी दोस्तों अच्छे फोटोज आ रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, शार्प है, और बुके वगैरह भी अगर आप देखते हैं बैकग्राउंड में वो काफी अच्छा है। यहां पर भी कहीं कहीं डायनामिक रेंज में मुझे थोड़ा इशू लगा, लेकिन ओवरऑल सेल्फी भी अच्छी निकल कर आई है, और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे दोस्तों तो वो भी आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है, फुल HD सैंपल आपको दिखा रहा हूं, बस यहां पर भी थोड़ा डायनामिक रेंज का मुझे इशू लगा था। फाइनली दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग, देखिए दोस्तों अभी कंक्लूजन तो डायरेक्ट नहीं दूंगा, मेरा ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, और फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इस फोन में बहुत सारी चीजें अच्छी है दोस्तों, जैसे कि आपको डिस्प्ले काफी बड़ा मिलता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, TFT है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, दूसरी चीज बैटरी बैकअप मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है, तो बड़ी बैटरी वाला फोन है, अगर आपको वीडियोस देखना है, अगर आप गेम खेलते हैं तो उसके लिए बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको यहां पर वो इसमें मिलता है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डुअल माइक दिया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm जैक है, और साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो ये भी चीज उन्होंने यहां पर दिया है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहां पर काफी अच्छा होगा, 1UI हमेशा से इसके रिव्यूज पॉजिटिव ही है, और उसके अलावा दोस्तों कैमरा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कैमरा इसमें आपको अच्छा मिल जाता है प्राइस के हिसाब से, और
परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो डिसेंट परफॉर्मेंस से मैं ऐसे कहूंगा, नॉर्मल यूज करो डे टू डे लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कैजुअल गेम्स खेल सकते हैं, हाई गेम्स खेलने के लिए थोड़ा आपको मीडियम पर सेट करके खेलना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है और बहुत सारे लोग इसी मामले में सैमसंग के फोन्स को प्रेफर करते हैं। और अगर अंडर 10,000 आपको एक ऐसा फोन मिलता है सैमसंग का, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, तो यस आई थिंक इट इज अ वेरी डिसेंट स्मार्टफोन, मैं ऐसे कहूंगा। तो ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, और इसके बाद देखते और कुछ अगर वीडियो बनाना हो तो हम जरूर से बनाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में आप कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।